मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई में आयोजित कार्यक्रम में 268 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से 26 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने इसमें से 122 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से 15 कार्यों का लोकार्पण तथा 145 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से 11 कार्यों का भूमि पूजन किया। सीएसवीटी परिसर में आर्यभट्ट भवन लगभग 10 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से शैक्षणिक भवन तैयार किया गया है। इतनी बड़ी सौगात आज लगातार पूरे देश को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। एक एक दिन में सामूहिक रूप से इतने लोकार्पण भूमि पूजन हो रहे हैं जिसकी कल्पना ये देश कभी की थी। और इसी तरह छत्तीसगढ़ में मात्र आप सबके आशीर्वाद और आप सबके स्नेह के प्रतिफल के रूप में जब आप सबने आज से 2-2.5 महीना पहले यहाँ की स्थिति, यहाँ की परिस्थिति सबको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और एक अलग जगाया और उसका ही प्रतिफल है कि आज करोड़ों करोड़ों काम इसी तरह लोकार्पित और भूमि पूजन हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, कि जो हमने नाम दिया था मोदी गारंटी के रूप में संकल्प पत्र, उसके अक्षर से पालन के लिए आप सतत कटिबद्ध हैं। कथनी और करनी में जो अंतर है हमारी सरकार का दिख रहा है। मैं विनम्रता से हमारे दुर्ग लोकसभा की ओर से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं। 8 तारीख विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी सब चीज बताएंगे। पहले से मैं राज नहीं खोलना चाहता, मैं तो सिर्फ स्वागत करने, अभिनंदन करने आया था। पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चूंकि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है लेकिन आपके बेटे, आपके भाई होने के नाते मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि पूरे दुर्ग लोकसभा के, हमारे देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हमारे पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों युवा साथियों के आशीर्वाद से एक बार फिर से मुझे आपकी सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को बहुत सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन दुर्ग संभाग के लिए ऐतिहासिक है। जब 250 करोड़ रुपए के राशि के विभिन्न लोकार्पण और भूमि पूजन का काम हो रहा है, आज प्रदेश में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, इस ध्येय वाक्य को लेकर कि हमने बनाया है हम ही संवारेंगे और छत्तीसगढ़ को संवारने का काम आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में होने लगा है। ये बताता है कि एक सच्चा जनसेवक, एक सच्चा जनप्रतिनिधि जो छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा के लिए निकला है, छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने के लिए निकला है। मैं आज आप सबको इस 250 करोड़ रुपए की सौगात की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी आज श्रोता के नाते पर नाते यहां विराजमान हैं और कुछ अन्य स्थानों से भी माताएं, बहनें और सारे सज्जन आए हैं, विशेष रूप से पत्रकार साथी आए हैं। आज का ये आयोजन सिर्फ विश्वविद्यालय का आयोजन है ऐसा नहीं है। आज के इस आयोजन में पूरे संभाग के ऐसे काम जो 4-5 करोड़ से ऊपर के हैं उनका लोकार्पण रखा गया है। विश्वविद्यालय के 2 भवन उसका भी लोकार्पण आज हुआ है। और साथ ही साथ विश्वविद्यालय के लिए मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले बजट में प्रावधान जो इस बार हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको बजट में रखें, आगे इसका प्रावधान पूरा करेंगे। ऐसे कन्या छात्रावास और बालक छात्रावास यहां पर बनने के लिए भी बजट में प्रावधान इस बार किया गया है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उस सरकार की योजनाओं के लिए भी वर्तमान सरकार ने एक बैठक मंत्रिपरिषद की
मंत्रिपरिषद की बैठक 8 घंटे चली है और उस 8 घंटे चले बैठक में अगली सरकार केंद्र की जो बनेगी वो 100 दिनों में क्या काम करेगी इसका निर्णय हुआ है। आप समझ सकते हैं आत्मविश्वास को केंद्र की सरकार के, आप समझ सकते हैं इस बात को। मैं निवेदन पूर्वक आप सभी से कहना चाहता हूं कि किस तरीके से हम सब ने देखा था। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज यूनिवर्सिटी को और दूर संभाग के लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आज एक साथ 250 करोड़ रुपए का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। निश्चित रूप से इससे इस यूनिवर्सिटी को भी लाभ होगा और पूरे संभाग को भी इसका लाभ होगा। और बड़ा अच्छा नाम रखे हैं जो भवन का लोकार्पण किए हैं, आर्यभट्ट और दूसरे का नाम चरक। इनके नाम से जो यूनिवर्सिटी का जो 2 भवन बना है उस नाम से है जिसका आज लोकार्पण किए हैं। निश्चित रूप से हमारे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको लाभ होगा, उनको बधाई देते हैं। और काफी काम 4 करोड़ से जो ऊपर के काम हैं संभाग के उनका भी लोकार्पण किए हैं तो इसका लाभ भी हमारे पूरे दुर्ग संभाग को मिलेगा तो उनको भी बधाई शुभकामनाएं। और बहुत सारे काम क्षेत्र में लोकार्पण के लिए हैं और भूमि पूजन के लिए हैं जिनका लोकार्पण या भूमि पूजन हमारे सम्माननीय विधायकगण करेंगे। मुझे जानकारी मिली है कि इस भवन में एक अमेरिका की कंपनी है न्यूक्लियस टेक जिसके ओनर हमारे छत्तीसगढ़ के हैं लेकिन विदेश में बस गए हैं और उनकी कंपनी है और यहां पर उनकी कंपनी कार्यरत है आईटी के सेक्टर में। अभी डायरेक्टर जी यहां बता रहे थे कि हर साल यहां पर आईटी के सेक्टर में हमारे बच्चों को प्रशिक्षित करके करीब 100 लोगों को विदेश में भेज के उनको रोजगार देने का काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा हमारे छत्तीसगढ़ के कन्धारों के लिए, छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए। और मैं आप लोगों को इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा यूनिवर्सिटी को विशेषकर कि हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं वो ऊर्जावान तो हैं लेकिन वो आईटी के भी स्टूडेंट रहे हैं और हम लोग इसको आईटी के सेक्टर में डेवलप करना चाहते हैं इस क्षेत्र को तो इससे बड़ा लाभ होगा। प्रभारी मंत्री के आईटी के स्टूडेंट रहने के कारण उनको इस सेक्टर में काफी अनुभव है। और आप लोगों ने सरकार बनाई है, 2.5 महीना इस सरकार के हुए हैं तो काफी कुछ हम लोग मोदी की जो गारंटी है उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे विजय शर्मा जी बता रहे थे कि हम लोग शपथ लिए उसके दूसरे ही दिन 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय लिए हैं जो कि शीघ्र शुरू होने वाला है। 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया 25 दिसंबर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन जिसको सुशासन दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है उस दिन देने का काम किए हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी किए हैं और मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि इस साल बम्फर खरीदी हुई है धान की।